वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज अनु। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा घर मैक्स मॉल के पास में ही है, तो मैं कभी भी चली जाती हूँ, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, कभी भी कैसे भी चली जाती हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ ओ मैक्स मॉल मिस्टर DIY, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ सामान लेना था, और घर के लिए कुछ ऐसा सामान लेना था कि अभी ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे दीमक हो गए हैं, तो उन दीमक से बचने के लिए हम सबको एक उपाय करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो गाइस, हम लोग ढूंढ रहे हैं वो चिपकाने वाला, वो मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं, रियल लाइफ में तो मैंने मिस्टर DIY में देखा था, बट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। होप कि मिल जाए। मैं जा रही हूँ अभी, पूरा अच्छे से ढूंढूंगी फिर। तो गाइस, फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत ढूंढने के बाद, मैं जब फर्स्ट फ्लोर पर गई, वहाँ पर मुझे बहुत सारा वॉलपेपर मिल गया, और मैं खुश हो गई कि चलो जिस चीज़ की तलाश में मैं आई थी वो मुझे फाइनली मिल गई, वरना फिर मुझे जाना पड़ता किसी और मार्केट, और फिर ऑटो का किराया बहुत सारा झमेला हो जाता। तो यहाँ से ही मैंने एक वॉलपेपर पिक किया। वैसे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर, बहुत डिफरेंट स्टाइल, और बहुत महंगे भी थे, तो मैंने एक नॉर्मल प्राइस का वॉलपेपर चूज़ किया, जो कि आप अलमीरा वगैरह में लगा सकते हो। ऐसा क्या होता है ना कि बहुत सारा चटक पटक कलर अच्छा नहीं लगता अलमीरा, वुडन वाला लुक तो वुडन टाइप ही होना चाहिए। एनीवेज, बहुत सारा वुडन वाला मटेरियल था नहीं यहाँ पर, तो मैंने एक अच्छा सा ले लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि मैंने कौन सा लिया, और उसका प्राइस कुछ 1500 के अराउंड था। हाँ, इस टाइप का कुछ लिया था। और ये जो है ना, ये बचपन से मेरा शौक था कि कभी मैं ऐसे बारबी वाला ड्रेस पहन के ऐसे पहन के घूमूं, बहुत मुझे पसंद था। पहले मेरे पास, मेरे पापा ने मुझे एक बारबी वाला ड्रेस दिलाया था, बट मेरे पास उस टाइम वो पंख और ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो अभी मैंने ये शौक पूरा करने के लिए सोचा कि चलो पहन के ट्राई कर लेती हूँ कैसा लगता है। आप सब में से कौन कौन है जिसको इस टाइप की चीज़ें, ऐसे गाउन ये सब लगाना पसंद है? अभी तो मुझे इतना पसंद नहीं है, बचपन में काफ़ी ज़्यादा पसंद था, लेकिन अभी मैंने देखा तो मुझे लगा कि चलो लगा के थोड़ा सा ट्राई कर लेती हूँ। तो अभी आपको बता दूँ कि जितनी भी वुडन वाली चीज़ें हैं, अलमीरा हो या फिर दरवाज़ा हो, कुछ भी हो, मतलब जितने भी जो भी लकड़ियों का काम हो, उन सब में दीमक बहुत ज़्यादा लग गया है। अभी आप देखो, अलमीरा एकदम खोखला हो चुका है, ऊपर से जो हैंग करने वाला था वो भी टूट के गिर चुका है, क्योंकि अभी उसको प्रॉपर क्या कहेंगे, मतलब वो अच्छे से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पूरा ही खोखला हो गया था, इसलिए वो टिक नहीं पाया, गिर गया पूरा नीचे। सबसे पहले मैंने सोचा कि कपड़े सारे बाहर निकाल लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो गया, ज़्यादा कपड़ा हो गया, तो सारा वन बाई वन मैंने निकाल लिया, और अभी अलमीरा मेरा खाली हो चुका है। और इतना ही नहीं, इधर ही नहीं, पूरे अलमीरे में लगा हुआ है। तो अभी हमने सोचा कि जितना हमें कपड़ा रखना है उतने में एडजस्ट करने के लिए हम कर लेते हैं। तो दूसरे साइड का अलमीरा ऐसा था कि हमने कैसे भी करके ये प्लास्टिक लगा कर कैसे भी एडजस्ट करा था, बहुत मुश्किल से। तो अभी मैंने प्लास्टिक हटाया, और इसके अंदर देखो कितनी गंदगी, कैसे है ये, बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा था पूरा, एकदम पानी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतने ज़्यादा दीमक कि हम लोग के कपड़े भी, मतलब घिन आ रहा था बहुत ज़्यादा। और ये खोखला जो किया है ना, दीमक नहीं किया, और इसके अंदर बहुत सारे कीड़े भी हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे ना बाहर निकलने लगते हैं कीड़े, हम लोग बहुत ज़्यादा घिन आती है और परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम, मतलब अभी हम कर भी क्या सकते हैं इसके लिए, हमें खुद से ही ऐसा कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि चलो आज हम इसको वॉलपेपर लगा कर कुछ ढकने का ट्राई करते हैं, ताकि दीमक अंदर रहें और हमारे कपड़ों पर ना आए और हमें परेशान ना करें। तो इसके लिए हम लेकर आए थे ये वॉलपेपर, और ये वॉलपेपर कुछ ऐसा है, सिंपल डिसेंट साहब, बहुत चटक पटक कलर मुझे पसंद नहीं है, तो जैसे कि आपको पता है इसलिए मैं नॉर्मल कलर ही लेकर आई हूँ। तो चलो अब हम इसको लगाएंगे और देखते हैं कि फाइनल लुक में कैसा आता है। सबसे पहले मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, क्योंकि एक साथ तो ऑब्वियसली लग नहीं पाएगा, तो मेजर करके वैसे कट कर लिया, और ऐसा इसमें ग्लू लगाने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी इसके अंदर स्टीकर टाइप है कि अगर आप निकालोगे तो वो पूरा निकलेगा, तो कुछ इस टाइप का ही है। थोड़ा सा एक अच्छा वाला भी आता है, बहुत जो वॉल पे लगाते हैं वो थोड़ा सा बहुत मोटा होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, पर उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे ही ट्राई किया, और बहुत अच्छे से तो नहीं लगा, बीच बीच में क्या हो रहा था ना कि उसमें गैस फेल हो जा रहा था, या फिर हमसे ये टेढ़ा मेढ़ा लग जा रहा था, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है ना, पहली बार मैं ऐसे खुद से लगा रही थी, तो मतलब ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही इसको ढकने का ट्राई करेंगे, और अगर आपके तरफ भी अगर लगा है ये दीमक वगैरह, तो आप भी कुछ इस टाइप का ट्राई कर सकते हो। एक बहुत मतलब हर टाइप का वॉलपेपर आता है, बहुत महंगा भी लोगे तो बहुत अच्छा भी मिल जाएगा, और अगर आप नॉर्मल काम चलाना चाहते हो तो आप सस्ते वाले वॉलपेपर भी ले सकते हो, जैसे मैंने भी बहुत एवरेज लिया है, क्योंकि बहुत महंगा तो ऑब्वियसली क्या करूँगी लेकर यहाँ से, फिर अलमीरा भी खाली करना है, मतलब ये बनेगा बाद में, तो बाद में हटाना ही पड़ेगा, पैसा वेस्ट जाता, इसलिए हमने ऐसे लिया। और मैंने ऐसे अपने जितना मुझसे हो पाया उसको अच्छे से मैंने लगा दिया। एक साइड का अलमीरा तो हमने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया है, जो दूसरे साइड का अलमीरा था वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब था। अभी देखो, ये जो जितने भी गैप है ना, उन सब में हम दीमक वाली दवाई छिड़क रहे थे, ताकि जो भी दीमक वो मर जाएं, और इतनी गंदी बदबू आती है उस दवाई से कि मतलब 4-15 दिन तक तो ऐसा होता है कि नाक से ही नहीं निकलता है वो खुशबू बदबू। लेकिन कोई बात नहीं, अब एडजस्ट तो करना ही है। देखो, आपका वॉलपेपर ना इतना अच्छे से लगा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, अब हम
कुछ कर भी नहीं सकते थे, और अगर हम बुलाते किसी और को लगाने के लिए एक्सपर्ट को तो काफ़ी हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता। तो सबसे पहले हमने दीमक के लिए दवा छिड़का और उसके बाद से टेप लगा दिया। और आपको पता है इसके अंदर जो दीमक है ना वो दिख भी रहे थे, मतलब इतने गंदे, तक घिन आ रहा था इनको देख कर, क्योंकि गिज 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 वाले बहुत सारे आ गए थे, मतलब एकदम घिनघिना सा हो गया था। तो हमने वॉलपेपर कैसे भी कैसे लगा दिया और उसके बाद से हमने टेपिंग भी कर दी ताकि ये वॉलपेपर उजड़े ना यहाँ से, क्योंकि इतना भी अच्छा वाला नहीं है कि वो चिपका रहे प्रॉपर। और एक साइड का थोड़ा सा ऊपर बच गया था क्योंकि आप देखो थोड़ा सा क्रैक दिख रहा है ना, वहाँ से कीड़े गिरते हैं, तो उसको भी हमने कवर कर दिया जितना भी हो पाया। वॉलपेपर भी ख़त्म हो गया था, दोनों अलमीरा कवर कर लिया लेकिन ऊपर वाला वॉल नहीं हो पाया क्योंकि ख़त्म हो गया। दो एक ही रोल था और दोनों अलमीरा में लगाना था, तो हमने कैसे भी एडजस्ट किया। और जो पार्ट हमारा नहीं लग पाया ना, तो इसका जो जो निकल रहा है ना उसमें से पीछे वाला पार्ट, तो उसका यूज़ करके हमने लगाने का ट्राई किया था। तभी मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ नॉर्मल। ये है हमारा फाइनल लुक, हमारा अलमीरा बनके रेडी हो चुका है। अब देखो पहले कितना गंदा था और अभी कितना लग्जरी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े घर में, बहुत बड़े होटल में, ऐसा अलमीरा वैसा टाइप का लुक आ रहा है यार। लेकिन मतलब ठीक लग रहा है, बहुत प्रॉपर फिनिशिंग तो नहीं आई है पर ठीक है। तो ये फाइनल लुक हमारा बन के आया है। अगर आप सब भी थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हो अपने अलमीरा या फिर टेबल कुछ को भी, तो आप बना सकते हो इस टाइप से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और अच्छा भी लुक हो जाएगा पुरानी चीज़ों को चेंज करके। एक अलमीरा देखो थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा है लेकिन अब वॉलपेपर था नहीं, बस हमें एडजस्ट करना था, तो जो मेन मेन पार्ट था वहाँ पर लगा दिया, बाकी चीज़ों में इसका उल्टा वाला पार्ट जो था वो हमने एडजस्ट कर दिया। तो कैसे लगा आपको?